हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीस। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि कैसे हम अपने घर में जो है फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड मिला करके एक प्रॉपर जो है हम एक घोल तैयार कर सकते हैं और उसे हम कैसे यूज करें, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बट देखिए, अब ये मेरा एक दिन हो गया है और मैंने इसे 24 आवर के बाद लगभग यूज कर रहा हूँ। देखिए, ये हमने 1 लीटर पानी में तैयार किया हुआ था और इसको अब मैं यूज करने का आपको तरीका बताए दे रहा हूँ। देखिए, इसमें जो इसकी एक लाइन है, ये देखिए जो एक लाइन है, ये हमें 100, ये देखिए ज़्यादा है थोड़ा, यहाँ से होना चाहिए, ये जो है 100 ml, एक लाइन जो है हमें 100 ml बताती है। ये एक लाइन 100 ml का है तो हम इसको उसी हिसाब से यूज करेंगे। अगर आपने कोई लिक्विड लिया, लिक्विड में अगर आप जो है लाते हैं तो, और अगर आपको उसको यूज करना है तो आप ऐसा कोई ढक्कन यूज कर सकते हैं जो बच्चों के जो है सिरप वगैरह में आता है। और इसमें देखिए, ये ऐसे जो है इसमें बना होता है ये निशान जिसमें लिखा होता है, इसमें एक्चुअली साफ दिख नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें लिखा होता है 5 ml, 10 ml, 15 ml, ऐसे लिखा होता है। उस हिसाब से आप इससे भी अपना यूज कर सकते हैं, जो एक नॉर्मल तरीका होता है, क्योंकि सिरिंज वगैरह एक्चुअली मेडिकल से जो है नॉर्मली देते नहीं हैं। तो चलिए देखिए, ये हमने 2 लीटर पानी लिया हुआ है और इसमें हमें 200 ml मिलाना होगा। तो ये थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा सा कम किए दे रहे हैं। तो देखिए, हमने इसे थोड़ा सा कम कर लिया है पानी को, और ये क्योंकि 2.25 लीटर की बोतल होती है। तो देखिए, ये हमारा यहाँ से है तो हमें इसे यहाँ तक करना होगा। तो चलिए, हम आप इसमें डाल देते हैं इसे। ये देखिए, देखिए आपका ऐसा ब्लू कलर का ये होगा घोल, देखते हैं। ये देखिए, हमने इसमें इतना डाल दिया है और ये आपका, ये देखिए ऐसा ब्लू टाइप सा आपका ये पूरा घोल बन जाएगा। और आपको ऐसा जेट जो स्प्रेयर होता है ऐसे लेना है, कोई मैनुअल हो मैनुअल ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रीफाइड हो इलेक्ट्रीफाइड ले सकते हैं, प्रेशराइज हो आप प्रेशराइज ले सकते हैं, कैसा भी हो आपके पास स्प्रेयर। देखिए, और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करते हैं। ये देखिए, हमने ये स्प्रेयर लिया और इसे हमें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल तेज रख, बिल्कुल अच्छा बिल्कुल प्रेशराइज करना है, और इसे हम इसे पूरा अच्छी तरीके से, देखिए ऐसे प्रेशर से अच्छी तरीके से पूरा बिल्कुल नीचे भी ऊपर तक बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे नहला देंगे। देखिए, हम सेकंड वन को करते हैं। देखिए, अच्छी तरीके से बिल्कुल हमें इसे बिल्कुल नहला देना है अंदर तक, कैसे भी हो अंदर तक बिल्कुल पूरा नहला देना अच्छे तरीके से। तो देखिए, हम इसमें फिर से प्रेशर बनाते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा अनार का एक पौधा है जो कि हमारा इसमें लगा हुआ है, इसमें हम बिल्कुल अच्छे तरीके से नहला देंगे, ताकि क्योंकि अनार के पौधे में सबसे ज़्यादा चींटियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, चींटियाँ बहुत परेशान करती हैं, हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल इसे नहला देना है। देखिए, ये हमारा रोज का प्लांट है, इसे भी हम अच्छे तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल नहला देंगे। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है, देखिए इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए, ये देखिए इसमें, देखिए कुछ ये जो है चींटे इसमें चल रहे हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। तो देखिए, हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल नहला देना होगा। देखिए, स्प्रे से जितने भी हमारे पौधे हैं इन सबको अच्छी तरीके से बिल्कुल नहला दीजिए आप, कोई मुरव्वत मत कीजिए किसी भी तरह की, बिल्कुल अच्छे तरीके से इन्हें नहलाइए बिल्कुल नीचे से, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिली वक्त पत्तों के नीचे ही लगती हैं। क्योंकि तो देखिए, अच्छी तरीके से हम बिल्कुल नहलाएंगे सबको, बिल्कुल नहला देना।
बिल्कुल नीचे तक, क्योंकि नीचे से भी सड़न पैदा हो जाती है। ये देखिए हमारा बैगन का पौधा है, बैगन तो हमारा अच्छी ग्रोथ कर रहा है, फिर भी हम देखें क्योंकि हम समय समय पर फंगिसाइड यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे आपको इसे यूज करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।